राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरकरण और विनिमय संशोधन विधेयक 2021 पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, पर्यटन के ऊपर एक छोटा सा संशोधन लेकर सरकार आई है और ये सतत प्रक्रिया है संशोधन करने की, लेकिन छोटे छोटे संशोधन से सदन का समय जो जाया होता है उसके बजाय जो विषय की गंभीरता है, जैसे पर्यटन जैसा विषय है जो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, अपार संभावनाएं पर्यटन में राजस्थान में है, माइंस एंड मिनरल्स के अंदर भी अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन पूरे देश के अंदर यदि राजस्थान गंभीरता से ले तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। बेलेबल नॉन बेलेबल कोर्ट की अवमानना के कारण आपको ये विधेयक लेकर के, इसमें संशोधन लेकर के आना पड़ रहा है माननीय पर्यटन मंत्री महोदय, लेकिन ये छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं, भिखारी लोग हैं, रेडी वाले दुकान करने वाले लोग हैं, या वहाँ पर जो कोई गाइडिंग का काम करने वाले लोग हैं, पर्यटन स्थल के बारे में बताने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऊपर कार्यवाही करने के लिए इसके अंदर इतना सुदृढ़ीकरण किया जाने की बात की जा रही है। मैं आपसे, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बातें कह दी, उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहूँगा, फिर भी माननीय पर्यटन मंत्री महोदय को आपके माध्यम से सभापति महोदय मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि पर्यटन पुलिस की बात हम लोगों ने की थी, पर्यटन पुलिस के बारे में माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब ने बहुत पूछ लिया, मैं समझता हूँ पर्यटन मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो उसके बारे में पूरी तरह से गंभीरता के साथ में इस विषय के ऊपर जवाब देने का काम करेंगे। राजस्थान के अंदर यदि टूरिज्म की तरफ ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से अपार संभावनाओं वाला राज्य राजस्थान बन सकता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि जो टूरिज्म की इकाइयां हैं या जो टूरिज्म के स्पॉट हैं या जो हमारे राजस्थान टूरिज्म के लिए जो स्थान बने हुए हैं उनको भी लीज पर देने की बात की जा रही है। सरकार की उदासीनता के कारण ये सब काम हो रहे हैं। हवेलियां शेखावाटी की बात करें, पर्यटन मंत्री महोदय शेखावाटी से आते हैं, हम सब लोग शेखावाटी से आते हैं, हवेलियाँ टूटनी नहीं चाहिए, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठना चाहिए। आज माननीय पर्यटन मंत्री महोदय, आपको मालूम है मंडावा के अंदर एक हवेली के अंदर फीस लेकर के हवेली के दर्शन, हवेली का अंदर से लोकार्पण मतलब अवलोकन करने की इजाजत दी जाती है, ऐसे ही मंडावा के साथ में फतेहपुर में भी है। ये हवेलियां इतनी अच्छी स्थापत्य कला के साथ में बनी हुई हैं कि यदि राजस्थान सरकार इसमें गंभीरता के साथ में इनको तोड़ने के ऊपर यदि प्रतिबंध लगा दे, आज क्या होता है उन हवेलियों का संरक्षण हो नहीं रहा है और लोग बाग भूमाफिया लोग उन हवेलियों को खरीद करके वहाँ पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जहाँ पर न पार्किंग की सुविधा है न अन्य किसी तरह की कोई सुविधा है। इसलिए ये जो पर्यटन की दृष्टि से हमारा दूर दूर से विदेशों से पर्यटक आते हैं उन हवेलियों को देखने के लिए, लेकिन राजस्थान सरकार की उदासीनता के कारण इसमें नहीं हो रहा। माननीय सभापति महोदय, बजट के अंदर जो घोषणाएँ थी और जो टूरिज्म के लिए भी थी, मैं समझता हूँ टूरिज्म की बात तो करना बेमानी है, बजट की 70% घोषणाएं आज भी अधूरी पड़ी हैं। राजस्थान सरकार की उदासीनता इतनी गंभीर है, मैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी, आंकड़ों के साथ में प्रस्तुत कर दिया, उनको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पर्यटन किस तरह से आगे बढ़े और पर्यटन के अपार संभावनाओं का दोहन किस तरह से हम लोग कर सकें इसके ऊपर राजस्थान सरकार गंभीरता से विचार करे और इसको कोई इस तरह का बिल लेकर के आए जिसके अंदर इसको बढ़ावा मिले। ये छोटे छोटे बिल ला करके एक कोमा फुल स्टॉप और कुछ कुछ परिवर्तन करके मेरे हिसाब से इसमें कोई होने वाले नहीं, इसको 6 महीने के लिए परिचारित करने के लिए मैं कहता हूँ और इसका विरोध करता हूँ। धन्यवाद।